चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ शाम के 4 बजे से। और ये देखिए एकदम नेचुरल लाइट में बैठी हूँ आकर के, और कितना मस्त बैकग्राउंड दिख रहा है आप लोगों को। तो गाइज मैं आकर के छत पर बैठी हूँ थोड़ा सा धूप खाने के लिए, क्योंकि शाम के टाइम में थोड़ा थोड़ा धूप लगता है। और अभी मौसम बहुत मस्त बना रहा है, ना ठंडी ना गर्मी। तो मैं आई हूँ उसी मौसम का लुफ्त उठाने छत पर। और मम्मी और नेहा नहीं है, वो लोग मार्केट चले गए हैं, और बाबू अपने फ्रेंड के साथ नीचे खेल रहा है। तो मैं यहाँ करके बैठी हूँ छत पर। मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ आप लोगों के लिए। मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं आप लोग अच्छी अच्छी वीडियो दूँ, अपने बारे में ढेर सारी जानकारी दूँ। और मैं यूट्यूब पर आ ही गई हूँ, तो आप लोग से बातें करने का हमें मौका मिला है। तो आप लोग से मैं बहुत सारे बातें करने वाली हूँ और बहुत चीज़ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जुड़े हुए हैं तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, और कमेंट करके अपना सुझाव तो बिल्कुल दिया करिए। नानी माँ क्या क्या लाई है? नाना जी भेजे हैं बाबू के लिए, क्या बात है। हाँ सब आप ही के लिए है। नाना जी कल कॉल करके बोले थे ना कि पिचकारी भी आपके पिचकारी ना, बहुत छोटा छोटा था, इसलिए हमारे नहीं है। फिर कल बोले हैं कि बाबू के लिए पिचकारी बना देंगे। तो अभी मेरे यहाँ बन रहा है पकौड़ी, और प्याज के पत्ते की पकौड़ी खाने का मजा ही कुछ और है। वो भी मेरी मम्मी के हाथ है। खाया था, कहाँ से इतने बड़े अमरूद खाए थे? अमरूद होता है ना, अमरूद के पेड़ जो अंकल पकाते हैं, जहाँ पे क्या नाम है उनका, किनका? तो नेहा चटनी पीसने जा रही है लहसुन और धनिया पत्ता की पकौड़ी के साथ खाने के लिए। गाइस ये देखिए मम्मा के हाथ का पकौड़ी, इतना टेस्टी पकौड़ी बनाती है ना मम्मी कि क्या ही बताए। आती लोग कितना भी खाना बना ले, लेकिन मम्मी का हाथ का खाना इनका स्वाद ही अलग होता है। आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर टेस्टी टेस्टी यमी यमी पकौड़ी बन रहा है हम लोगों के लिए। वाह, खा कर के आज तो मजा ही है। कैसा बना है? आनंद स्वर्ग है कहीं तो मम्मी के किचन में। और हम आए और मम्मी के हाथों से ना खाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। बेटा भी आती है, बेटा भी आएगा। तो नेहा का हो गया यहाँ पर तबीयत खराब गाइज, थोड़ा सर में दर्द हो गया था, तो मम्मी बैठ करके इसकी सर मालिश कर रही है, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइज आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि मुझे इतना जरूरी क्यों था यहाँ पर आना, बाबू का स्कूल को छोड़ते हुए यहाँ पर मुझे आना पड़ा। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था मुझे इंस्टाग्राम पे कि पायल आप बाबू का स्कूल छुड़ा करके क्यों गई हैं, क्या आपका बच्चा अब नहीं पढ़ेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, इतना दिनों बाद स्कूल खुला है और अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। फिर भी मैं वहाँ पे रहती तो बाबू को बिल्कुल स्कूल भेजती, लेकिन यहाँ पे आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। हम लोग अपनी माँ के 2 बेटी और 1 भाई हैं। 1 भाई मेरा बनारस में ही पढ़ता है और नेहा मेरी दिल्ली में पढ़ती है। तो नेहा का भी जब से कॉलेज बंद हुआ है तब से वो आ करके मम्मी के साथ रह रही है, नहीं तो मम्मी यहाँ पर अकेले ही रहती है। पापा मेरे बाहर जॉब करते हैं, जिस वजह से पापा को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, तो मम्मी को यहाँ पे अकेले ही रहना पड़ता है। तो घर की सबसे बड़ी मैं ही हूँ, तो मुझे ही सारा चीज़ देखना पड़ता है, चाहे अपना घर हो या मम्मी का घर हो। तो इसलिए मैं यहाँ पर आई, क्योंकि जिस घर से मैं आप लोग को ब्लॉग दिखा रही हूँ उस घर को बने हुए कोरोना से 1-2 महीने पहले हुए हैं। तो इस घर का वीडियो जब आता है आप लोगों को तो दिखा होगा कि आगे में हॉल जो है वो प्लास्टर नहीं हुआ है और घर सारे प्लास्टर हो गए हैं। तो हॉल और सीढ़ी प्लास्टर करवाना था हमें, तो इसकी वजह से मुझे आना पड़ा बाबू का स्कूल छोड़ करके। क्योंकि इससे पहले मैं आती तो बहुत तेज़ ठंडी थी, जिसकी वजह से बाबू को लेकर आना जाने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। यदि बच्चा को कुछ हो जाए तो सारे लोग घबरा जाते हैं, और इस गांव में ना यहाँ से 2-3 किलोमीटर चल करके जाना पड़ता है, तो जा करके किसी डॉक्टर से हम लोग मिल पाते हैं। तो इसकी वजह से मैं ठंडी में नहीं आ पाई हूँ यहाँ पर।
और जब स्कूल बंद था तो उस समय मेरे पास मौका था आने के लिए, लेकिन बहुत तेज ठंडी पड़ रही थी और बाबू मेरा बहुत छोटा है तो मुझे दोनों तरफ देख करके चलना होता तो इसलिए मैं नहीं आ पाई थी यहाँ पे। मैं भी आ सकती थी मैं, लेकिन गर्मी में नहीं आई हूँ, ना अभी ठंडी है ना गर्मी है, तो इसलिए मैं अभी आ गई हूँ। आना जरूरी था यहाँ पे, मम्मी का प्लास्टर कराना बहुत जरूरी था तो इसकी वजह से मुझे आना पड़ा यहाँ पे। और मैं अपनी माँ के लिए जितना भी करूँ उतना कम है, क्योंकि मेरी माँ हम लोग के लिए बहुत कुछ की है जो कि मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूँगी। तो मैं जितना भी करूँ ना अपने माँ के लिए उतना कम है गाइज। और मैं यदि YouTube पर भी आई हूँ ना, हालांकि मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, मेरे ससुराल वालों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरे आगे बढ़ने में, मुझे मोटिवेट करने में, लेकिन मेरी माँ का भी वो कम सपोर्ट नहीं रहा है। मेरी माँ भी हमेशा सपोर्ट करती है। और यूट्यूब पर आने का भी मेरा एक ही सपना है कि मैं अपने माँ के लिए कुछ कर पाऊँ, तो इसलिए मैंने अपना पहले चैनल बनाया, उसके बाद से पांडे जी वाला चैनल मैं चला रही हूँ अभी, जिसमें बहुत कम आप लोग को पांडे जी को देखने को मिलेगा। मुझे मैं ही ब्लॉग बनाती हूँ, उनको टाइम नहीं मिल पाता है कि वो ब्लॉग बना पाए। आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट करिए। और हाँ, पिछले वाले ब्लॉग में आप लोग का बहुत प्यार सपोर्ट मिला है तो उसके लिए भी आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया। और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आने वाले ब्लॉग को बहुत ज़्यादा इंटरटेन करके लाऊं आप लोग के साथ, और साथ ही अपना ज़िंदगी का हर एक मोमेंट आप लोग के साथ शेयर करूं। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं शेयर करूं। तो यही कारण था गाइस कि मुझे अपने बाबू का स्कूल छोड़ करके आना पड़ा यहाँ पर। 2 साल से कोरोना की वजह से यहाँ पे कुछ नहीं हो पा रहा था, सारे लोग तितर बितर हो गए थे, ना मिस्त्री मिल रहा था, ना आदमी मिल रहा था, ना कोई काम ही कर रहा था, या बालू सीमेंट सारे चीज़ महंगे हो गए थे। बट इस बार मैं आई हूँ थोड़ा सा टाइम लेकर के, तो मैंने सोचा कि हॉल क्योंकि आगे का है, आप लोग को दिख रहा होगा वीडियो में, तो बहुत ज़्यादा ही गंदा लगता है, ईट 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 तो दिखता है, तो थोड़ा कोई आता जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और जब ये घर बन रहा था उसकी भी स्टोरी मैं बहुत बड़ी है, उसकी भी स्टोरी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कैसे बना क्या हुआ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट करिए। मैं इस ब्लॉग को आज यहीं पर ख़त्म करती हूँ। यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और मेरे चैनल से नहीं जुड़े हुए तो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।